अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की ये जो व्लॉग है मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि आज मैं परचेज करने जा रहा हूँ अपने लिए एक लैपटॉप। और वो कौन सा है इस वीडियो में चलकर आपको मैं ये भी दिखाऊंगा। और लैपटॉप जो है कल ही मैंने परचेज कर लेना था, मगर ATM ने मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दी कि मैं पर डे में इतनी बड़ी अमाउंट को विड्रॉ करवा सकूं। तो कुछ मैंने पेमेंट जो है कल एडवांस के तौर पे सबमिट करवा दी थी और कुछ आज करवाऊंगा विड्रॉ करवा के। और 10 बज चुके हैं, नाश्ता कर चुका हूं, कपड़े प्रेस करने वाले हैं और एज यूजुअल बाइक मंगवाते हैं और रवाना होते हैं ऑफिस के लिए। A few moments later. तो यार बाइक वाला आ गया है और सीधा चलते हैं लैपटॉप लेने, ऑफिस बाद में जाऊंगा। ठीक है, तो अभी लैपटॉप नहीं चलता है। A few moments later. तो यार सीन कुछ ये है कि मुझे अर्जेंट एक ऑफिस जाना पड़ रहा है और मैं ATM आया था विड्रॉ करवाने ना, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा देर वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। और क्योंकि आगे भी एक बार मैं वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया था और मैं नहीं चाहता कि इस बार दोबारा पकड़ा जाऊँ, तो मिलते हैं सीधा ऑफिस में। 1 hour later. तो यार इस वक्त जोसेस जो है मैं पहुंच चुका हूँ और पता नहीं देखते हैं लाइट आ रही है कि नहीं। तो यार ऑफिस में पहुंच चुका हूँ और बालों के तो बिल्कुल ही बैंड बजी हुई है, बैग यहाँ पर रखते हैं और वो हाथ तरह धो लेते हैं, फिर थोड़ा काम करते हैं और फिर लैपटॉप ले चलते हैं। तो यार सीन कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं ऑफिस से लेने के लिए गया ना मैकबुक, तो लाइट बिल्कुल ऑफ थी और वीडियो वहाँ बनाने का मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। और बाकी छोटी मोटी वीडियो वगैरह मैंने बना ली थी और बाकी जो है इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं, क्योंकि अनबॉक्सिंग मैं उधर शॉप ही कर चुका था, क्योंकि जब मैं परचेज कर रहा था तो उसने मुझे एक दो दफ़ा कहा कि आप इसको परचेज करो, आप काइंडली इसका डिस्प्ले चेक कर लें ताकि सब कुछ ओके हो और आपको भी तसल्ली हो जाए। तो मैंने कहा यार बात में तो दम है, तो फिर मैंने उसी वक्त वहां पर उसको ओपन करके ना तो खाली डिस्प्ले वगैरह चेक कर लिया था कि सब ओके है ना, क्योंकि आखिर आप चीज आप ही की है और मौके पर उसको जो चेक कर लिया जाए तो बेहतर होता है। और बाकी अनबॉक्सिंग आपको दिखाता हूँ। अनबॉक्सिंग में क्या है, एक लैपटॉप है और उसका एक चार्जर है, एक केबल है, लेकिन फिर भी मैं अनबॉक्सिंग का कहा था तो अनबॉक्सिंग में आपको दिखाता हूँ, छोटी सी होगी। तो यार ये हमारे पास मैकबुक एयर M1 का बॉक्स है और इसको साइड पर रखते हैं। और ये है वो स्पेस ग्रे में मैकबुक एयर M1, इसको भी ज़रा साइड पर रख देते हैं। और ये जो है वो चार्जिंग केबल है टाइप सी की, ये कुछ पेपर वर्क्स और इसके अंदर लोगो वगैरह है, ये पावर अडॉप्टर और ये एक्सटेंडर। तो मैकबुक को जरा यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं अगर खुल गया तो। A few moments later. तो यार इस मैकबुक को लेने के पीछे जो मेरी एक बड़ी वजह थी वो ये थी कि मेरा जो पुराना वाला सिस्टम था ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी भी था और उसका चार्जर का भी काफ़ी ज़्यादा वेट था, तो अक्सर औकात मेरा कंधा जो है वो थक जाता था। तो ये वाला सिस्टम जो है बहुत ही लाइट वेट है, मतलब कि आप इसे हैंड में उठा के कहीं पर भी जा सकते हैं और इसका इतना वेट भी नहीं है। मेरा वर्क है, अब मैं इस पर शिफ्ट करूँगा ताकि यूज हो जाऊँ ना ज़रा जल्दी। तो यार आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ये कैसा लगा ब्लॉग, लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।